हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फ्रॉम TSA. सो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था. फर्स्ट वीडियो में नेटवर्क सिस्टम हमने पढ़ा था, नेटवर्क सिस्टम क्या होता है. उसके बाद हमने पढ़ा था वर्किंग ऑफ नेटवर्क सिस्टम की हमारा क्या है, वर्क कैसे करता है हमारा नेटवर्क सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. फिर हमने पढ़ा था व्हाई डू वी नीड नेटवर्किंग, हमें नेटवर्किंग क्यों चाहिए होती है, किस लिए इस्तेमाल की जाती है. हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हमें नेटवर्किंग एक्चुअल में चाहिए क्यों होती है, किस लिए इस्तेमाल होती है, और वो जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमने सर्वर्स के बारे में पढ़ा था. लास्ट हमने पढ़ा था अपने लास्ट वीडियो में टर्मिनोलॉजी इन द नेटवर्किंग. ठीक है, टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ होती है नेटवर्किंग में वो चीज़ हमने पढ़ी थी. ठीक है, नेटवर्किंग में दो टर्मिनोलॉजीज होती है स्टूडेंट्स, दैट इज टर्मिनल एंड सर्वर. अब आप यहाँ पे इस पेज पे देखिए, यहाँ पे आपका एक डायग्राम बना हुआ है. देखिए स्टूडेंट्स, आप हमने क्या देखा था, टर्मिनल में क्या होता है स्टूडेंट्स, टर्मिनल में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या होता है, टर्मिनल इज अ डम टर्मिनल. क्यों डम टर्मिनल कहा गया है, क्योंकि उसकी CPU और मेमोरी शेयर नहीं की जाती है, बट सर्वर की CPU और मेमोरी शेयर की जाती है. ठीक है, और सर्वर क्या होता है, सर्वर हमारा बहुत बड़ा होता है, ह्यूज होता है, और उसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है. तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सिर्फ चार कंप्यूटर्स दिख रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट सर्वर क्या है, एक्चुअली एक सर्वर पे, एक पर्टिकुलर सर्वर पे लाखों टर्मिनल्स कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टिविटी लाखों टर्मिनल्स की होती है. ठीक है, अब यहाँ पे जिस तरह से आपको डायग्राम दिया हुआ है कि मेन मिड में सर्वर है और बाकी उसके चारों तरफ क्या है, टर्मिनल्स है. ठीक है, आपने भी देखा है, जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल दिया था मोबाइल, मोबाइल एक तरह से आपका टर्मिनल है, और सर्वर क्या है, बाकी जो हमें इन्फॉर्मेशन जो होती है हम उस सर्वर से उसको प्रोवाइड करवा लेते हैं. अब स्टूडेंट्स हम अपना नेटवर्क पढ़ेंगे कि एरिया नेटवर्क. अब हम देखेंगे कि अलग अलग एरिया में किस तरह का नेटवर्क इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है. फर्स्ट अब हम पढ़ेंगे, सॉरी अब हम ना स्टार्ट करेंगे टॉपिक एरिया नेटवर्क. अ लीगल यूजर कैन एक्सेस द वेरियस फाइल्स प्रेजेंट ऑन द सर्वर. लीगल यूजर, लीगल मतलब जो ऑथेंटिकेटेड, जो परमिशन जिसको मिली हुई है, वो है यूजर, एक्सेस कर सकता है क्या, वेरियस फाइल्स, बहुत से फाइल्स को जो प्रेजेंट है कहाँ पे, कहाँ पे है, सर्वर के ऊपर. एंड कैन ऑल्सो कम्युनिकेट विद अदर यूजर्स, और वो बाकी यूजर्स से भी कम्युनिकेट कर सकता है. If all these terminals and server are connected in a network, जब ये terminals और ये servers हैं एक दूसरे से connected रहेंगे network में, there are three types of, sorry, servers are connected in a network. ये जो जितने भी servers होते हैं students, terminals server से connected होता है, servers बाकी पूरे एक network से connected रहते हैं. ठीक है, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ नेटवर्क. अब हमारे तीन नेटवर्क है स्टूडेंट्स, आपने कभी सुना होगा लैन मैन वैन. ठीक है, फर्स्ट हमारा लैन, LAN, इट्स अ लोकल एरिया नेटवर्क, फुल फॉर्म है इसका लोकल एरिया नेटवर्क. ठीक है, सेकेंड है आपका मैन, MAN, इसका पूरा नाम क्या है, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क. थर्ड है आपका वैन, WAN, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क. अब हम इसके बारे में ब्रीफ में आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. फर्स्ट है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल मतलब, लोकल आप वर्ड से समझ रहे हैं, लोकल, लोकल मतलब आपके आसपास का. तो लोकल एरिया नेटवर्क कौन सा होता है, अ लोकल एरिया नेटवर्क इज ऑल्सो नोन एज लैन. जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लैन बोलते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म है लैन. अ लैन इज जनरली लिमिटेड टू अ सिंगल ऑफिस और बिल्डिंग. स्टूडेंट्स जो हमारा लैन इस्तेमाल होता है वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एक ही जगह होता है. सपोज आपने कोई आपकी बिल्डिंग हो गई, या कोई एक आपका, आप ले लीजिए एक बार आप आपका स्कूल, तो आपका स्कूल में आप जब कंप्यूटर लैब में जाते हो तो वो क्या है आपका कनेक्टिविटी, वो नेटवर्क क्या है आपका, लैन नेटवर्क है. क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक ही जगह पे वो सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टिविटी है. ठीक है, सो लैन जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल या तो एक बिल्डिंग में होता है, नहीं तो एक ऑफिस में ही होता है. सो अ लैन इज जनरली लिमिटेड टू अ सिंगल ऑफिस और बिल्डिंग. लैन जो है सिंगल ऑफिस और बिल्डिंग में ही कनेक्टिविटी देता है. लैन इज जनरली यूज्ड इन स्कूल्स. अब देखेंगे लैन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, स्कूल्स में इस्तेमाल होता है, ऑफिस में इस्तेमाल होता है, बैंक्स में इस्तेमाल होता है, रिजर्वेशन काउंटर्स एक्सेट्रा. ठीक है, यहाँ पे इन जगहों पे लैन इस्तेमाल किया जाता है. द सर्वर एंड द टर्मिनल्स आर कनेक्टेड एक्सटर्नली बाई केबल्स. जो सर्वर्स है और आपके
टर्मिनल्स है, सर्वर्स और टर्मिनल्स जो हैं वो कनेक्टेड है एक्सटर्नली, किस एक्सटर्नली मतलब बाहर से, बाय केबल्स, केबल्स के थ्रू, ठीक है। तो आपके जो सर्वर और टर्मिनल्स जो कनेक्टेड हैं वो आपके केबल्स के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन बाहर की तरफ से। अंदर आपके अगर आपने कंप्यूटर्स वगैरह सब कनेक्टिविटी कर रखी है तो वो चीज़ एक समय में नहीं होती है स्टूडेंट्स, वो चीज़ आपके क्या है, वो चीज़, वो जो आपका नेटवर्क का जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बताया वो एक थिन लेयर रहती है, ठीक है, एक इनविजिबल लेयर होती है। लेकिन जब हम एक्सटर्नली एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो एक्सटर्नली मतलब बाहर की तरफ से वो कनेक्टिविटी रहती है उन केबल्स की, ठीक है। तो सर्वर और टर्मिनल्स वो बाहर की तरफ से उसकी कनेक्टिविटी रहती है। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स, द सर्वर एंड द टर्मिनल्स आर कनेक्टेड एक्सटर्नली बाय केबल्स। ये देखिए यहाँ पे आपको ये जो चीज़ शो हो रही है वो देखिए, एक मेन सर्वर है और बाकी आपके कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं किसके थ्रू, केबल्स के थ्रू। द सर्वर एंड ऑल द टर्मिनल्स आर केप्ट विद इन द रेंज ऑफ 50 meters। जो सर्वर होता है लैन में, जो आपका मेन सर्वर होता है वो, और जो आपके टर्मिनल्स होते हैं वो 50 meters में कनेक्टेड रहते हैं, 50 meters की रेंज में ही वो कनेक्टिविटी दे सकते हैं, उससे ज़्यादा वो कनेक्टिविटी नहीं दे सकते। अगर आप चाहेंगे 50 से ज़्यादा में कनेक्टिविटी देना तो वो चीज़ नामुमकिन हो जाएगी, किसके लिए, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। ऑल द टर्मिनल्स कैन एक्सेस द फाइल ईजिली स्टोर्ड ऑन सर्वर। जो भी टर्मिनल्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं फाइल्स को ईजिली और स्टोर कर सकते हैं सर्वर पे। फाइल ईजिली हो एक्सेस कर सकते हैं और सर्वर पे स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज ऑल्सो नोन एज मैन, जिसको हम क्या शॉर्ट फॉर्म हुआ मैन, इट इज़ बिगर वर्जन ऑफ लैन। ये जो है लैन से बड़ा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। द टेक्नोलॉजी इज सेम लाइक इन लैन, बट मैन इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर सिटी एंड कनेक्ट्स द मशीन विद इन दैट एरिया। स्टूडेंट्स लैन जो है वो एक्चुअली सेम होता है, जैसे लैन होता है वही मैन होता है, लेकिन उसका एरिया, वाइड एरिया उसका ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आपकी एक सिटी होगी, जैसे अजमेर सिटी है, अजमेर सिटी की एक खुद का मैन होगा, ठीक है, तो मैन रहेगा तो वो मैन से वो सब लोग उसमें कनेक्ट हो सकते हैं, एसोसिएट विद अ पर्टिकुलर सिटी, एक ही सिटी के लिए होता है, और कनेक्ट द मशीन विद इन दैट एरिया, और उस एरिया में वो मशीन को कनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल द कनेक्शन ऑफ ऑल द रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम इन दिल्ली इज जस्ट बिकॉज ऑफ मैन। तो रेल, अब देखिए यहाँ पे जैसे दिल्ली में आपका जो है रेलवे का हम कनेक्टिविटी देखेंगे, तो वहाँ पे जो भी रिजर्वेशन सिस्टम है दिल्ली में इज जस्ट बिकॉज ऑफ मैन, मैन की वजह से वो कनेक्टिविटी प्रूव हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा हमारा नेटवर्क लग रहा है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अ मैन कैन सपोर्ट बोथ डेटा एंड फाइल। जो मैन है स्टूडेंट्स वो बोथ सपोर्ट कर सकते हैं, क्या, डेटा और फाइल को। लास्ट है स्टूडेंट्स आपका वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, वैन। द वाइड एरिया नेटवर्क इज ऑल्सो नोन एज वैन। द कंप्यूटर ऑन अ वैन कैन एक्सटेंड टू एन एंटायर सिटी और स्टेट्स और कंट्रीज ऑल्सो। वैन क्या होता है स्टूडेंट्स, तो वो पूरी एक तरह से अगर हमारा देखा जाए या तो पूरी सिटी हो गई, पूरा स्टेट हो गया या कंट्री हो गई। इट मीन्स दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा वाइड एरिया नेटवर्क वर्क करता है। सिंस द कंप्यूटर्स टू बी कनेक्टेड आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जो कंप्यूटर्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं और वो बहुत दूर दूर होते हैं, लेकिन फिर भी कनेक्टिविटी रहती है स्टूडेंट। दे कैन नॉट बी कनेक्टेड बाई केबल्स। ये चीज़ें ये जो इसमें होता है वैन में केबल से कनेक्टिविटी नहीं होती है। दस इन वैन कम्युनिकेशन कैन बी पॉसिबल बाई सैटेलाइट। ये सैटेलाइट से कनेक्टिविटी रहती है। टू सेंड और रिसीव डेटा फ्रॉम ईच स्टेशन एंटीनाज एंड ट्रांसमीटर्स आर यूज। हमें एक जगह से दूसरी जगह पे, अब सपोज आपको यहाँ से, आप लोग यहाँ से बैठ करके आपको दूसरे लोकेशन पे आपको बात करनी है या डेटा सेंड करना है, ठीक है, जो कम से कम 1000 kilometers दूर है, तो वो चीज़ किससे होगी स्टूडेंट्स, वैन से। सेटेलाइट ट्रांसमीटर रहता है, तो वहाँ पे एक स्टेशन रहता है टू सेंड और रिसीव डेटा, वो हम सेंड करते हैं और वो रिसीव करता है। हर स्टेशन, वहाँ पे स्टेशंस होते हैं, एंटीनाज होते हैं, ट्रांसमीटर्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। सिंस द डेटा इज इन डिजिटल फॉर्म। अब जो डेटा होता है हमारा वो एक डिजिटल फॉर्म में होता है। डिजिटल मतलब आपका डिजिटल इस तरह से होगा कि आपका जो 0-1 के फॉर्मूले में रहता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर उसी के अकॉर्डिंग सुनता है।
मॉडम्स आर यूज टू कन्वर्ट द डेटा इन डिजिटल फॉर्म टू एनालॉग फॉर्म। तो मॉडम्स जो होते हैं वो क्या कन्वर्ट करते हैं, डेटा को डिजिटल फॉर्म से एनालॉग फॉर्म में। डिजिटल फॉर्म हमारा 01 होता है और एनालॉग फॉर्म हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, एनालॉग फॉर्म हमारा जो जिससे हमें समझ में आए। डिजिटल फॉर्म हमारा क्या होता है, जो हमारा कंप्यूटर समझ सके। यहाँ पे देखेंगे आप अपने पिक्चर में जो देख रहे हैं, ये देखिए एक मेन सैटेलाइट बनी हुई है, बहुत सारे सर्वर्स हैं और बहुत सारे सर्वर से हमारे बहुत सारे टर्मिनल्स कनेक्टेड है, ठीक है। इस तरह से हमारा लैन वैन और वैन वर्क करता है। सो स्टूडेंट्स आप अपना जो है ये चीज रीड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस आप इसको देखेंगे और ये सारी चीजें इसको रीड आउट करेंगे और वर्क करेंगे, ठीक है। आज आपका चैप्टर यही फिनिश होता है, अपना एक्सरसाइजेस को वर्कआउट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है आप अपने पीडीएफ फाइल आपको शेयर कर दी जाएगी, अपनी एक्सरसाइजेस जो है आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।